नमस्कार संसद टीवी में आपका स्वागत है मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम कैबिनेट दिस वीक कैबिनेट दिस वीक में हम कैबिनेट के द्वारा लिए जाने वाले महत्वपूर्ण फैसलों से आपको अवगत करवाते हैं और विशेषज्ञों के माध्यम से उन फैसलों के असर और बदलाव को जानने की कोशिश भी करते हैं आज हम बात करेंगे इस सप्ताह कैबिनेट के द्वारा लिए गए दो बड़े फैसलों की तो पहले बात करते हैं विकास की सड़क की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पी एम जी एस वाई वन और पी एम जी एस वाई सेकेंड को जारी रखने पर अपनी सहमति दे दी गई है इसके अलावा वामपंथ और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों आर सी पी एल डब्ल्यू ए में रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट भी जारी रखने का फैसला लिया गया है बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसलों की जानकारी दी पेश एक खास रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बुधवार को कई अहम फैसले लिए गए बैठक में कैबिनेट ने पी एम वन और पी एम टू को अगले साल सितंबर तक जारी रखने की मंजूरी दी है वहीं वामपंथी उग्रवाद पीड़ित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना को मार्च 2023 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट द्वारा इलाकों को सड़कों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को जारी रखा जाएगा और देश के गाँव गाँव को सड़कों से जोड़ा जाएगा यानी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना फेज वन और फेज टू के अंतर्गत जो क्षेत्र बचे रह गए थे उन इलाकों में सड़कों का निर्माण किया जाएगा जिसका फायदा दूर दराज के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों को भी मिलेगा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना फेज वन फेज टू की जो रोड कनेक्टिविटी से जो क्षेत्र रह गए थे या लेफ्ट विंग हिट एफेक्टेड एरिया जो हैं उनके जो बचे हुए काम है उनके लिए भी और ये जो हमारे ट्राइबल क्षेत्र हैं जनजातीय क्षेत्र है है, विशेष तौर पर इनको इनका लाभ मिलने वाला है जहां घने जंगल पहाड़ और दरिया पार करके भी वहां पर सड़कें बनाने का काम किया जाएगा उग्रवाद पीड़ित क्षेत्रों में पिछले पांच सालों में नौ राज्यों के चौवालिस जिलों में करीब साढ़े चार हजार किलोमीटर लंबी सड़क और 105 पुल बनाए गए हैं पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के बाकी बचे कार्यों को पूरा करने के लिए सितंबर 2022 तक समय विस्तार दिया गया है चल रही सभी सड़क परियोजनाओं में अगले तीन सालों में एक लाख बारह हजार करोड़ से अधिक राशि खर्च होने की संभावना है अब तक पीएमजीएसवाई में अलग अलग वर्टिकल्स के अंतर्गत छ लाख किलोमीटर सड़कें बन चुकी हैं और छह हजार पुलों का निर्माण किया जा चुका है सरकार ने 2019 में मार्च 2025 तक एक लाख पच्चीस हजार किलोमीटर लंबी सड़कों को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण की शुरुआत की थी कैबिनेट के फैसले पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव नगेंद्र नाथ सिन्हा जी नगेंद्र नाथ सिन्हा जी टीवी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है कैबिनेट ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को गांव और दुर्गम क्षेत्रों में जारी रखने का फैसला लिया है वनवासियों और आदिवासियों के लिए फैसला कितना महत्वपूर्ण है अगर मैं आपको आंकड़े दूं तो ये आपको मैं अवगत कराना चाहूंगा कि छह लाख सड़सठ हजार किलोमीटर पहले सड़कें बनी है जिनमें से काफ़ी ऐसी सड़कें हैं जो पहली बार उन इलाकों में जा रही लेकिन अब जो हमारे पास नई कनेक्टिविटी का जो लक्ष्य है वो करीब करीब दो चार सौ बत्तीस नए गांवों को हम जोड़ेंगे और उसमें उसके लिए हमको लगभग इक्कीस हज़ार किलोमीटर सड़कें बनानी पड़ेंगी तो ये एक पक्ष है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा दूसरा पक्ष है ये जो हम उग्रवाद प्रभावित जिले हैं जिनके लिए हम सड़कें बना रहे हैं ऐसे 44 जिले हैं और उनमें हम लगभग आ, 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 लगभग 7601 किलोमीटर हम सड़कें वहाँ भी बनाएंगे और इनसे उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के काफ़ी कनेक्ट होंगे और आपको जानकारी होगी कि जो खास के उग्रवाद उग्र, जो वामपंथी उग्रवाद है वो उन क्षेत्रों में केंद्रित है जहाँ पर जनजातीय समुदाय विशेष तौर पे आता है केंद्रीय भारत के आ, का जो मध्य भाग है उसमें जहाँ जनजातीय समुदाय बड़े पैमाने पाया जाता है तो इस प्रकार से जो भारत सरकार के अभी दोनों निर्णय हुए हैं उससे जो हमारा जनजातीय समुदाय है उन तक विकास की धारा को ले जाने में सुविधा मिलेगी और उससे जनजातीय समुदायों का बड़ा हित होगा क्या जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है उससे भी जोड़कर लिया गया है ये बड़ा फैसला और जनजातीय समाज को विकास के कार्यों से जोड़ने में ये योजना कितनी कारगर साबित होने वाली है जो जनजातीय समुदाय है वो काफी अनेकों प्रकार के जो यूनिक उत्पाद हैं वो पैदा करता है उन उत्पादों के लिए बाजार आज नहीं है क्योंकि उन तक आने जाने की सुविधा नहीं है अगर सड़क निर्माण हो जाता है आवागमन सुलभ हो जाता है तो उन उत्पादों के लिए बाज़ार मिलता है दूसरा जो हमारे जनजातीय समुदाय है उनको भी बाकी आम जनों की तरह उनको भी स्वास्थ्य की सुविधाओं की शिक्षा की सुविधाओं की पोषण की सुविधाओं की अन्य सामाजिक सुविधाओं की बैंकिंग सुविधाओं की ज़रूरत है और आवागमन की सुविधा के अभाव में सड़क यातायात के अभाव में वो ये सुविधाएं उन तक मिलनी कठिन होती मैं समझता हूँ कि जो इस तरह की सुविधा जब ले जाई जाती है तो एक तरफ जनजातीय समुदाय को अपनी बातों को दूसरों तक पहुँचाने का मिलता है दूसरे लोग भी उन तक अपनी बात पहुँचाते हैं पर इससे उस जनजातीय समुदाय के कल्चर पे मुझे बहुत कोई खतरा दिखता नहीं बल्कि आधुनिकता की धारा के साथ जनजातीय समुदाय के विचार उनके संस्कृति का की अभिव्यक्ति ये सारी चीज़ें संपुष्ट होती हैं नरेंद्र नाथ जी ये योजना के लिए वामपंथी उग्रवाद यानी कि नक्सलवाद बहुत बड़ी चुनौतियाँ है और अगर ये चुनौती है तो इसको पार भी पाना होगा उसके लिए क्या कुछ तैयारी की गई है सरकार के द्वारा मुझे लगता है कि जो नक्सलवाद रोकने का मुद्दा है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं केंद्रित करना चाहिए हमें ये देखना चाहिए कि उस इला उन इलाकों में विकास की धारा पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही लोग तब ज़्यादा नक्सलवाद की तरफ प्रभावित होते हैं आकर्षित होते हैं जब उनको विकास की धारा पहुँचती नहीं दिखती है ये सड़कें उन इलाकों तक विकास की धारा को ले जाएंगी प्रशासन का आवागमन सुलभ होगा लोगों का आना जाना प्रशासनिक केंद्रों तक सुलभ होगा जो सेवाएं हैं सुविधाएं हैं वो उन तक आसानी से पहुंच पाएगी तो एक से एक प्रकार से प्रशासन से उनका बेहतर जुड़ाव होगा और दूसरा यह है कि प्रशासन के साथ साथ जो उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में उग्रवाद से जो हमारी लड़ाई है वो भी साथ साथ चलेगी जी ये एक, एक और सवाल है कि क्या इस योजना से कनेक्टिविटी बढ़ेगी आपको मैं प्रधानमंत्री सड़क निर्माण योजना की का जो तंत्र है उसके बारे में बता दूं ये एक प्रकार से त्रिस्तरीय तंत्र है पहला तंत्र पहला जो इसके अपेक्ष पे शीर्ष पे है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय है जो कितनी योजनाएं स्वीकृत होंगी कितना किलोमीटर सड़क या पुल बनेंगे उसका एक एक सीमा निर्धारित करता है कितना निवेश होगा उसकी सीमा निर्धारित करता है तकनीकी मानक तय करता है दूसरा तंत्र राज्य स्तर का है तो राज्य स्तर पे आ, आ, इन योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति और उसके लिए कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक तंत्र सेट करना वहाँ पे लोगों की बहाली करना और उनके उन क्वालिटी कंट्रोल करना उसके लिए जिम्मेवार है और जो क्षेत्रीय स्तर है वहाँ पर जिला स्तर पे, पे प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट होती हैं वो इनके कार्यान्वयन के लिए जिम्मेवार होती है आशा है कि लगभग डेढ़ सालों के अंतराल में हम लोग जो मैंने आपको छिहत्तर किलोमीटर की बात बताई उतना हम पूरा कर लेंगे ये मैं दोहरा रहा हूँ एक बार ये बात पहले भी मैंने पूछ ली है लेकिन महत्व की बात है क्योंकि वामपंथी उग्रवाद की चुनौती है इन क्षेत्रों में इन चुनौतियों से कैसे इस कनेक्टिविटी को या फिर इन सड़कों को कैसे सुरक्षित रखा जाएगा क्या समस्याएं आएंगी एक बड़ी जो समस्या जनजातीय क्षेत्र में देखने को आती है वो जो वन भूमि की अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलना क्योंकि सड़कें बनती हैं पहले पगडंडियाँ रहती हैं वहाँ पे वो जंगल के इलाके से गुजरती हैं और इन सड़कों के निर्माण में कुछ ना कुछ वन क्षेत्र जरूर आता है तो वन क्षेत्र की अनापत्ति प्राप्त करना वो एक हमारे लिए कठिन और दुष्कर कार्य रहा है हमने काफ़ी कोशिश की है और काफ़ी हद तक कम भी हुआ है लेकिन वो एक हमारे सामने कठिनाई रहती दूसरी कठिनाई रहती है कि जो आ, आ, उन इलाकों में सामान्यतः संवेदक जाना नहीं चाहते तो कई बार संवेदकों का अभाव भी वहाँ पे दिखता है और एक कठिनाई लॉ एंड ऑर्डर की भी होती है पर मैंने ये देखा है कि चूंकि इसमें सिर्फ हमारी मन हमारा मंत्रालय ही नहीं बल्कि जो गृह मंत्रालय वो भी साथ है तो हम हमारा हम दोनों मंत्रालय और फिर राज्य सरकार मिल के यह कोशिश करते हैं कि जहाँ पर सुरक्षा विषय विशेष चुनौतियाँ रहे वहाँ पे हम सुरक्षा के उपाय करके वो उन इलाकों में सड़कें बनवाए चलिए आपने समय निकाला नागेंद्र नाथ जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए यहाँ ग्रामीण विकास विभाग के सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा जी हमसे बात करते हुए और बताते हुए कि केंद्र के इस फैसले का कितना लाभ वनवासी क्षेत्र के लोगों को मिलने वाला है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक और दो जारी रखने की मंजूरी पर क्या प्रतिक्रियाएं मिल रही है? हैं आइए आपको सुनवाते हैं ये जो पी एम योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो अभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंदरूनी क्षेत्रों तक के सड़क निर्माण के लिए पुनः स्टार्ट की है इसके अंतर्गत जो अभी विकास होगा कि जो आज विकास थम सा गया है उसमें गति आ जाएगी व्यापारिक क्षेत्र में भी और भी अनेक संसाधन संसाधनों साधन के वहाँ पहुँचने में सुगमता होगी और निश्चित तौर पर इससे क्षेत्र का बहुत चौमुखी विकास होगा कैबिनेट दिस वीक में लेते हैं एक ब्रेक ब्रेक के बाद बात करेंगे कैबिनेट के गांवों और वन क्षेत्रों को टेलीकॉम सुविधा से जोड़ने पर लिए गए बड़े फैसले की जब मंदिर जाते हैं हम प्रदक्षिणा क्यों करते हैं अधिकतर अगर हम देखेंगे ब्रह्मांड में जितनी मूवमेंट्स हैं, वो क्लॉकवाइज मोशन में होती है तो कहीं ना कहीं हम उसको रेप्लीकेट करते हैं कलश इट्स देर ऑन टेम्पल इट्स ऑन द कवर ऑफ अल्सो वट इज स्पेशल अबाउट कलश इज वन ऑफ द एट अष्टमंगल साइंस वी हैव इट्स द साइन ऑफ प्रॉस्पैरिटी इट्स द साइन ऑफ ओवर फ्लोइंग प्रॉस्पेरिटी इट इज द साइन विच इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गर्भा द वूम सो इट रिप्रेज़ेंट्स क्रिएशन डॉक्टर विवेक रॉय के साथ इतिहास में इस बार देखिए मंदिर मान्यता और महत्व आज रात नौ बजे सिर्फ संसद टीवी पर ब्रेक के बाद कैबिनेट दिस वीक में आपका एक बार फिर से स्वागत है अब बात गांव और वन क्षेत्रों को टेलीकॉम सुविधा से जोड़ने पर लिए गए कैबिनेट के फैसले की कैबिनेट बैठक में देश के गांवों को मोबाइल कनेक्टिविटी से जोड़ने को लेकर अहम फैसले लिए गए आकांक्षी जिलों के जो गांव मोबाइल सेवा के दायरे में नहीं हैं उन गांवों में मोबाइल सेवा के प्रावधान के लिए यूएसओएफ योजना को मंजूरी दे दी गई। देखते हैं इससे जुड़ी एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की के बैठक में पांच राज्यों के उन आकांक्षी जिलों के जो गांव मोबाइल सेवा के दायरे में नहीं हैं, वहां मोबाइल सेवा मुहैया कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड महाराष्ट्र और ओडिशा के सात हजार से अधिक गांवों में मोबाइल सेवाओं के लिए USOF योजना को मंजूरी दी है लगभग छह करोड़ रुपए की लागत से 4G मोबाइल सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी ऐसे चौवालीस आकांक्षी जिलों के सात हजार दो गाँव में मोबाइल टावर्स की और मोबाइल फोन को जो सुविधाएं हैं वो वहाँ पर दी जाएंगी मोबाइल टावर्स की कनेक्टिविटी दी जाएंगी ये 4G पर आधारित मोबाइल सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए निर्णय किया गया है इस प्रोजेक्ट पर लगभग छः करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है और जिनमें हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ साथ पाँच वर्षों के लिए ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर का भी प्रावधान इसमें सम्मिलित है जहाँ इस बीच ग्रामीण विकास विभाग के सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं नागेंद्र नाथ जी यहाँ पर कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात है पांच राज्य चौवालीस जिले और वो तमाम जिले ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं नक्सल प्रभावित हैं कितना चुनौतीपूर्ण होगा वहाँ पर मोबाइल कनेक्टिविटी देना लोगों को काफी चैलेंजिंग काम है क्योंकि इन इलाकों में कई प्रकार की चुनौतियाँ आती हैं एक तो फाइबर ले जाना अपने आप में चुनौती है चूँकि सभी इलाकों में फाइबर बिछा नहीं हुआ भारत नेट लगाने का काम चल ही रहा है तो उन इलाकों में माइक्रोवेव से सुविधा ये नेटवर्क ले जाने की कोशिश होती है अब माइक्रोवेव का नेटवर्क भी वो लाइन ऑफ साइट नेटवर्क कहते हैं उन इलाकों में अधिकतर जो ज़मीन है उबड़ खाबड़ है तो इसके चलते माइक्रोवेव टावर्स की भी संख्या ज़्यादा लगती है और उनका फिर इरेक्शन भी कठिन होता है और हर माइक्रोवेव टावर पे आपको ऊर्जा का इंतजाम करना होता है तो वो वो एक प्रकार की चुनौती है जहाँ तक इसके फ़ायदे की बात हम देखें तो काफ़ी फ़ायदे हैं वो फायदे इस प्रकार से हैं क्योंकि आप आज आप जानते हैं कि हर कार्यक्रम खास के ग्रामीण विकास का पंचायती राज का उसमें जो सूचना प्रौद्योगिकी है वो बहुत ही बड़े पैमाने पे उसका आधार है हर ग्रामीण आवास के निर्माण में तीन बार उसको फोटो लिया जाता है जितना भी हमारा ट्रांजैक्शन होता है महात्मा गांधी नरेगा का या प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का या ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का ये सारे के सारे ऑनलाइन होते हैं अब इसमें पेपर बेस्ड डॉक्यूमेंट्स रहे ही नहीं तो अगर ये नेटवर्क नहीं होगा तो फिर कैसे हम अपने कार्यों को सम्पादित करा पाएंगे निधि की बात हो या फिर पैसों के इंतज़ाम की बात हो तो पैसा आ, क्या केंद्र और राज्य की भागीदारी से होगा उसका किस तरीके से जो है भागीदारी तय की जाएगी यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड क्रिएट किया जाता है और वो जितने भी सेलुलर ऑपरेटर्स हैं उनसे अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा के नॉर्म्स पूरे नहीं कर पाते हैं तो उनको एक प्रकार की फ़ाइन देनी पड़ती है और उस फाइन और लेबीज से जो पैसा इकट्ठा होता है उसको यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड में जमा किया जाता है और उससे ही इस प्रकार के जो आ, इस प्र, आ, जो कम सेवा वाले इलाके हैं वहाँ पर सेवा का प्रसार किया जाता है तो इस आ, आ, मद से राशि निकाल कर वहाँ पर खर्च की जाती है दूर दराज के वन वासी क्षेत्रों में अगर जो है ये नेटवर्क स्थापित हो जाता है मोबाइल का वो भी फोर नेटवर्क स्थापित हो जाता है तो क्या रोजगार के अवसर ज्यादा बढ़ जाएंगे और व्यापार भी मजबूत होगा और अर्थव्यवस्था को सीधे तौर पर लाभ होगा अगर आप आपका इलाका बिल्कुल कटा छटा हो तो फिर आप सोचते हैं कि यहाँ पर तो किसी प्रकार की सुविधा मिल ही नहीं सकती इसलिए आप बाहर निकल आते हैं आप ताकि आपको शहरों में जो सुविधाएं उनका सुख मिल सके अगर हम ग्रामीण स्तरों पर ही जी जी। इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करा दें तो मुझे लगता है कि हम गांव स्तर पर लोगों को ज्यादा रोक पाएंगे और विस्तार से इस विषय को समझने की कोशिश करते हैं सेल्युलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त एसपी कोचर जी से कोचर साहब संसद टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा था कंटेंट इज कनेक्ट और कनेक्टिविटी के विस्तार को क्या कहा जाए फिर बिना कनेक्टिविटी के कंटेंट <laughs> तो है, तो तो है बिना कनेक्टिविटी के उसके कुछ आगे पहुंच ही नहीं सकता जी तो ये तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण वाक्य जो है जो आपने बोला जी तो ये आकांक्षी जिलों के गांव के मोबाइल सेवा के दायरे में लाने की कोशिश की जा रही है इस इसके द्वारा क्या प्रभाव पड़ेगा इसका कितना लाभ मिलेगा और सीधे तौर पर आ, कौन लोग होंगे जिनको इस आ, कनेक्टिविटी के विस्तार से सीधे तौर पर लाभ मिलने वाला है देखिए पहले पहले तो मैं ये कहूंगा कि इंडस्ट्री इसका बिना किसी संकोच के इसका स्वागत करती है जी एक बहुत बहुत अहम और बहुत बढ़िया कदम है जो कि सरकार ने लिया है और इसके लिए हम मान्य प्रधानमंत्री और मान्य मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन के आभारी हैं ये एक ऐसा दायरा था जो कि बहुत नज़र में आ रहा था कि रूरल एरिया में कनेक्टिविटी नहीं है और कनेक्टिविटी होने के बाद भी वहाँ पर जो स्मार्टफोन की सुविधाएं हैं वो नहीं पहुँच पा रही हैं और बिना उसके जो जो भी जो भी डिजिटल uh, इंडिया के प्रावधान है जो भी उसके वैल्यूज uh, हैं वो एक विलेजर के पास नहीं पहुंच पा रही थी तो इसके माध्यम से 4G के आने के माध्यम से दो तीन चीजें होंगी पहली चीज 4G सर्विसेज पहुंचेंगी जिसका मतलब है कि स्मार्टफोन पहुंचेगा स्मार्टफोन पहुंचने का मतलब है कि ऐप्स पहुंचेंगी जी। और जो भी जो भी गवर्नमेंट एप्स के जरिए जो भी सहूलत मुहैया करती है सिटीजन्स को वो रूरल एरिया में भी पहुंचेगी जो कि अब तक नहीं पहुंच रही थी दूसरी चीज़ ये है कि डिजिटल डिवाइड जो है कि कनेक्टिविटी ना होने के कारण जो उनका पिछड़ापन था मोबाइल ना होने के कारण उनका पिछड़ापन था वो समाप्त हो जाएगा और तीसरी चीज़ है कि ये जो प्रावधान में बनाया गया है इसमें आर को भी Uh, मद्देनजर रख के किया गया है और इसीलिए अपने अभी मान्य मंत्री जी को सुना जहां उन्होंने बोला कि ऑपरेशनल एक्सपेंसेस का भी प्रावधान है तो ये सिर्फ़ कि कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है कि हमने नेटवर्क लगा दिया टावर्स खड़े कर दिए और उसके बाद आप उसका ऑपरेशनल एक्सपेंसेस खुद निकालो तो उसका समय भी दिया गया है कि इसको मेच्योर होने के लिए टाइम लगेगा गवर्नमेंट भी जानती है और जब तक ये कॉस्ट uh, इफेक्टिव नहीं होगा तब तक शायद ऑपरेशनल एक्सपेंसेस uh, के लिए भी खर्चे का प्रावधान है जी, जी बहुत अच्छा कदम है जी लेकिन एक चुनौती है क्योंकि जिन पांच राज्यों को चुना गया है आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड महाराष्ट्र और उड़ीसा उड़ीसा इनके तकरीबन चौवालीस जिलों में ये कनेक्टिविटी पहुंचाई जाने वाली है विस्तार किया जाने वाला है आ, लेकिन ये तमाम जिले माना जाता है नक्सल प्रभावित हैं तो क्या चुनौती पूर्ण होगा ये विस्तार ये फैसला इम्प्लीमेंट करना के, जो कैबिनेट ने लिया है देखिए चुनौतियां तो हर जगह आती हैं अब आप आर ओ डब्ल्यू की चुनौती देखिए वो चुनौती क्या हमें अर्बन एरिया में नहीं आती वो बॉम्बे में नहीं आती दिल्ली में नहीं आती वो भिन्न भिन्न भिन प्रकार की चुनौतियां है आती हैं नक्सल एरिया में हाँ पर आएंगी चुनौतियां लेकिन इसको आप इस, इस संदर्भ में देखिए कि प्रधानमंत्री का जो पेट प्रोजेक्ट है गतिशक्ति जब तक कनेक्टिविटी चाहे वो डिजिटल हो चाहे वो रोड की हो वो नहीं पहुंचेगी तब तक वहां का विकास नहीं होगा और अगर विकास नहीं होगा तो ये नक्सलवादी एक्टिविटीज चलती रहेंगी तो एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है कि कनेक्टिविटी डिजिटल वहां पहुंचाई जा रही है उसके पश्चात मैं ये समझता हूँ कि वहां पे रोड कनेक्टिविटी एट्सट्रा भी पहुंचेगी जिससे कि वहां का रहन सहन अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी और एक तरह से नक्सलवादियों का जो वहां पे पकड़ है वो ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी और एक और चीज़ है कि ये आप कह रहे हैं नक्सलवादी का तो ये ज, जब टावर लगेंगे तो ऑब्वियसली इसमें साइज का चूज़ करना है सिक्योर लोकेशन पे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से लगेंगे और नक्सल और जो वहाँ के लोग हैं विलेज वो भी ये समझते हैं कि कनेक्टिविटी से ही उनका फ़ायदा होने वाला है जब तक वहाँ तक कनेक्टिविटी नहीं पहुंचेगी और अगर एक मैस मूवमेंट निकल कर आएगी जो बोलेगी हमें कनेक्टिविटी चाहिए बाकी चीजें आप बैकबर्नर पे रखिए तो तब तक वहा, वहां का डेवलपमेंट होना मुश्किल है तो चुनौतियां तो आएंगी लेकिन चुनौतियों का सामना करना फिर हमारा काम है जी आपने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं अगर चुनौतियों को आपको जवाब देना है तो वो आप कहीं ना कहीं इस तरीके के विस्तार करके और आ, विकास की बातें करके विकास के काम करके इस तरीके की चुनौतियों पर पार भी पा सकते हैं उसको जवाब भी दे सकते हैं लेकिन मोटे तौर पर दो जो है महत्वपूर्ण जो है लाभ होने वाले हैं एक तो इससे व्यापार का विस्तार होगा और दूसरा रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे क्या है बात सही ये बात सही है और इसे इससे मैं एक चीज और भी बताऊं कि आप चुनौती जो कह रहे हैं इतनी ज्यादा चुनौती भी नहीं है क्योंकि वायरलेस पे जा रहा है ठीक है और बैकवर्ड कनेक्टिविटी किस माध्यम से होगी हो सकता है सैटेलाइट से हो, हो सकता है।, है फाइबर से हो वो तो जैसे जैसे समय आएगा और जैसे जैसे साइट्स का निरीक्षण होगा उसके बाद डिसाइड किया जाएगा तो सेफ्टी और सिक्योरिटी तो रहेगी और डिसरप्शन होना शायद इतना आसान नहीं होगा जो कि पहले अगर हम वाइड कम्युनिकेशन देते हैं तो उसमें डिसरप्शन ज़्यादा होती बाकी जो आपने बोला बिल्कुल सही बोला और उसको प्रूव करना आ, हमारा गवर्नमेंट का मिलके आ, हमारा धेय है कि हमको दिखाना है कि जो हम कह रहे हैं वो सिर्फ बातें नहीं है वहाँ ग्राउंड पे भी ये इसका फर्क पड़ेगा और वो इनके लगने के कुछ महीने बाद ये देखना शुरू हो जाएगा जी तो आप लोग अपनी भागीदारी किस तरीके से तय करेंगे अगर ये कनेक्टिविटी हो जाती है तय समय में जैसा कि हमने देखा कि मोदी सरकार में जब भी कोई घोषणा होती है तो वो तय समय में पूरी की जाती है अगर तय समय में ऐसा हो जाता है तो आप अपनी भागीदारी को आ, किस रूप में देखते हैं अब ये देखिए कनेक्टिविटी प्रधान तो हम उसको प्रोवाइड तो हम ही करेंगे ना टीएसपी करेंगे जी उसके उसकी जो कैपिटल uh, एक्सपेंडिचर है ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट देगी लेकिन उसको वहां पे ले जाना उसको लगाना टेक्निकली उसको फिजिबल करना ऑपरेशनली फिजिबल करना ये तो टेलीकॉम का ही काम है चाहे वो बी हो चाहे टी एस पी प्राइवेट टी एस पी हो वो तो हम ही को करना है ना तो वो सबसे बड़ी भागीदारी तो वही है और हमारे को गवर्नमेंट की मदद ये मिल रही है कि अगर अगर हम अपना ही कैपिटल एक्सपेंडिचर लगाते तो शायद रिटर्न और इनकम नहीं दिखता और वैसे ही टेलीकॉम सेक्टर की हालत तो काफ़ी ख़राब है आप जानते हैं और अगर हमें बिना प्रॉफिट के अगर हमें किसी एरिया में जाना है तो उसके बारे में फिर तो संकोच आ जाता है लेकिन इसमें क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ने पैसा रखा है चाहे हमारे से लिया है यू का पैसा तो इस इसमें हम अपने नेटवर्क्स लेकर जाएंगे और नेटवर्क्स के ऊपर बिजनेसेस जाएंगे जी और एक एक चीज़ आप समझिए गवर्नमेंट ने बोला फोर जी फोर जी का महत्वपूर्ण मतलब निकलता है जब फाइव जी आएगा तो ये फोर जी नेटवर्क के ऊपर ही नॉन स्टैंड फाइव जी काम कर सकता है जहां जहां पर हमको उस तरह की कनेक्टिविटी चाहिए और इंटरऑपरेबल होगा तो ये बहुत बड़ी बहुत बड़ा कदम है जिसमें जो हमको दिख रहा है वो थोड़ा सा दिख रहा है आगे बढ़ते हुए इसका बहुत अहम फायदा होने वाला है जी बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय निकाला बातचीत की सेल्यूलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त एस पी कोचर हमसे बात कर रहे थे और आकांक्षी जिलों के गाँव के मोबाइल सेवा के दायरे में आने से क्या प्रभाव पड़ेगा इसका कितना लाभ मिलेगा इसके बारे में बताया छत्तीसगढ़ के व्यापारियों ने आइए सुनते हैं उनका क्या कुछ कहना है केंद्र सरकार ने जो अति पिछड़े इलाके जो हैं देश भर के उसमें फोर्जी टावर लगाने का जो निर्णय किया है वो बहुत ही ज़्यादा स्वागत होगी क्योंकि तो जब फोर टावर रहेंगे तो हमको बहुत सी सुविधाएँ जाएंगी कई बार क्या है फोर टावर नहीं रहने से डिजिटल पेमेंट नहीं होते ई पेमेंट नहीं होते और गूगल पे फोन पे भी कई बार नहीं रह नहीं चलता है उसके कारण पेमेंट वगैरह में भी दिक्कत होती है और फोर जी टावर जब लग जाएंगे ये सब करने में व्यवसाय बढ़ेगा और व्यवसायियों को जो है उसकी सुविधा मिलेगी उसका लाभ मिलेगा कैबिनेट दिस वीक में आज के लिए इतना ही कैबिनेट दिस वीक में आपसे फिर भेंट होगी नए फैसलों के साथ फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए लेकिन देखते रहिए संसद टीवी नमस्कार